मणिपुर हिंसा लगातार लगभग 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए और बताइए कि जो हो रहा है मणिपुर पे उस पर आप बताइए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल नहीं रहे हैं, उनके मंत्री बोल रहे हैं। सीधे तौर पे हम बनारस के रोड पे आ गए हैं और चाय की दुकान है, और चाय की दुकान पे किस तरीके से राजनीति होती है और देखिए तमाम लोग हैं और अपना अपना ये लोग विचार बताएंगे मणिपुर को लेकर। हाँ, ये बताइए कि मणिपुर को लेकर क्या कहेंगे, मणिपुर को लेकर हमारे देश का कोई बाप नहीं रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तक हिंसा क्यों नहीं प्रधान मणिपुर में जो काम हो रहा है सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार करेगी मोदी पर पूरा भरोसा। भाइयों के लिए बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब संस्कार नहीं दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं, मानवीय समीको का कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इनको खाली मणिपुर दिखाई देगा, बीजेपी का विरोध दिखाई देगा। आज तक सत्ता में जो रहेगा उसी से सवाल जवाब होंगे, सवाल करेंगे कि विरोध एकदम से मोदी का विरोध कर, अरे सत्ता का विरोध करिए कि राष्ट्र का विरोध करने लगे। कांग्रेस सारे यही कह रहे हैं कि हर चीज पे आप खुलकर बोलते हैं, नोटबंदी पे बोलते हैं, मन की बात बताते हैं, तो इस पे आकर बोल देते हैं। अरे मोदी जी बोल दिए, अमित शाह जी वहाँ जा कर के बोल दिए, और अरे भैया इनको संतुष्टि है नहीं है, इनको सरकार के भूखे जो 50 साल तक खाया नहीं अब मिल नहीं रहा है, तो इनको यह है कि बस बीजेपी का विरोध करो, राष्ट्र का विरोध करो, मोदी का विरोध करो। ऐसा है जितने फर्जी देशभक्त हैं उनको इंडिया से नफरत है, मोदी जी विपक्षी गठबंधन इंडिया का विरोध करने के चक्कर में देश को अपमानित कर रहे हैं, इंडिया का अपमान कर रहे हैं। मामला यह है कि 90 दिन तक क्या करती रही सरकार, वहाँ बलात्कार होते रहे, गैंगरेप होते रहे, सार्वजनिक रूप से वीडियो बनते रहे, सिर्फ ये सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इंटरनेट बंद किया, वहाँ से मीडिया का रिपोर्टिंग बंद कराया क्योंकि इनकी पोल खुल न जाए। ठीक ठीक हाँ बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया देख रहा है कि इंडिया इस समय भारत देश कहाँ जा रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है, पांचवें स्थान पे आर्थिक स्थिति पे आ गया और इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। स्थान पे था 2011 में। हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं? प्रधानमंत्री का गृह मंत्री तो गए थे वहाँ पर, अब कुछ कर नहीं पाए। आपने कब किया है? 750 आदमी मारे गए थे 93 में, तो का किया वहीं मणिपुर में 750 आदमी मारे गए। फर्जी आंकड़े, फर्जी आंकड़े नहीं सही। प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका झूठ ये भाजपाइयों के लिए एक प्रेरणादायक गलत पार्टी ही बना है, फर्जी बात बोलते हैं। अच्छा इलेक्शन होगा अगर ये संयुक्त मोर्चा आपका जो है हारेगा तो क्या कहेंगे कि इंडिया हार रही है? ऐसा नाम क्यों रखे? इसी से समझ लीजिए, बड़ा सही जगह लगा है तीर निशाने पे, सबकी चिरी पड़ी है और स्थिति ये है कि विपक्षी गठबंधन को बदनाम करने के चक्कर में भाजपाई और खुद प्रधानमंत्री इंडिया का अपमान कर रहे हैं। ये ठगबंधन है, जितने ठग इकट्ठा हुए 26 ठग थे, सब इकट्ठा होकर के मोदी क्या थे भैया, उसके बाद अभी भी ये मोदी के टक्कर के नहीं है, मोदी का कोई इनके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए 26 जो है उनमें लगभग 9 मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हर किसी के पास कुछ न कुछ पावर है, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन 38 में इनके 32 ऐसे हैं जिनके पास न एक को विधायक है न एक को सांसद है, उसमें 10 हो तो चुनाव आज तक कबो नहीं लड़े हैं, तो बेमतलब का झुरिया गांग बानत है। आ स्थिति ये है भैया कि जेकरे पल्ले एक को वोट ना हो वह से गठबंधन करे बदे, ये विपक्ष की ताकत ही है, ये राहुल गांधी की ताकत ही है कि मोदी जी जीतन राम मांझी के पैर पे नाक रगड़ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के पैर पे नाक रगड़ रहे हैं, मजबूर कर दिया है विपक्ष के गठबंधन ने कि 38 दलों के साथ गठबंधन करने की मजबूरी। उत्तर प्रदेश के अंदर इनके आज कितने विधायक हैं, कितने एमपी हैं, इनको शायद नहीं पता है। इसके बाद ये अखिलेश से समझौता करके कैठे पाएंगे, बंगाल में कह पाएंगे,
इसके बाद आम आदमी पार्टी जो जो इनकी सरकार को हर समय गाली दिया। वो नहीं है सवाल, ये कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे मणिपुर को लेकर। उन्होंने बोल दिया, प्रधानमंत्री अमित शाह जी को भेजे हैं, वहाँ कार्रवाई हो रही है। तो अलग है, लेकिन आप प्रधानमंत्री के दायित्व को क्यों नहीं निभा रहे हैं? वो पूरा निभा रहे हैं। तो मणिपुर पे क्यों नहीं सदन में बात कर रहे हैं? अरे सदन में जाएंगे, बात करेंगे तब तो। सदन से डर लगा है भैया मणिपुर को लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। देखिए ऐसा है ना, प्रधानमंत्री महोदय को चुप रहने का भी कोई लॉजिक होता है? अच्छा, वो खामोश होकर अपना काम करते रहते हैं और काम अच्छा से होगा। उनके प्रतिनिधि सब काम कर रहे हैं, उनका जो काम जो हो रहा है ना, वो बिना बोले अपना काम कर जाएगा, काम होता रहा है। मणिपुर जो चल रहा है ना, सब धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा माहौल जो है। आपको देख रहे हैं कि फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र घुमाया गया और लोग कारगिल दिवस मना रहे हैं। नहीं बात तो सही है, लेकिन कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी तो होते हैं उसमें। हाँ। उसको क्या, उसके लिए दानव जो है मारने के लिए देवता को जन्म लेना पड़ता है, उसी तरह जो है इनका भी नाश होगा, लेकिन समय आने पर ही नाश होगा इनका जो। अब कैसा नाश होगा पूरे प्रधानमंत्री? होगा होगा, आने दी, समय आने दीजिए। धृतराष्ट्र के राज में द्रौपदी का चीर हरण हुआ और कुरु वंश का सर्वनाश हो गया, और मोदी के राज में मणिपुर में बेटियों का चीर हरण हुआ, उनके साथ व्यभिचार बलात्कार हुआ, और मोदी की इस अहंकारी सत्ता का भी सर्वनाश ही होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मामला ये है कि 90 दिनों तक इंटरनेट मीडिया सबको बंद किया गया और ये तांडव चलता रहा, और प्रधानमंत्री गृहमंत्री को जानकारी नहीं थी, क्यों चुप थे 90 दिन तक? कम से कम ये तो पता होगा ना, सरकार में है ना, विपक्ष के नेता जनता बाकी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन 90 दिनों तक मोदी जी को पता था ना। आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले मणिपुर को लेकर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए? अरे भाई, अगर चुप्पी नहीं साधेंगे तो काम नहीं होगा और हम नहीं करना, चली जाएगी। गुड बात काला चल रहा है। मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल? अरे खूब बोल रहे हैं आप लोग। अरे बोल रहे हैं आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा है। बोलेंगे, बोलेंगे। अरे दो दिन रुकिए, काम करने के बाद बोलेंगे। अभी 90 दिन हुआ, अभी दो दिन और रुकिए। अपनी बेटी का जिस दिन रेप होता है उस दिन समझ आता है इन भाजपाइयों को। भाजपाइयों को इतनी मानवीय संवेदना नहीं है कि बेटियों का बलात्कार हो रहा है, मुख्यमंत्री वहां कह रहा, हजारों ऐसे केसेस है, हजारों केस राजस्थान में। क्यों नेट बंद करके वहां रिपोर्टिंग हो रही है? नेट जब वहाँ छत्तीसगढ़ में इनको नहीं दिखाई रहा, कुछ नहीं दिखाई रहा, और इनको इतनी बड़ी मानवीय संवेदनाहीनता है, मानवता नहीं है कि ऐसा है कि बता दीजिए बंगाल में हो रहा है वो इनको न दिखाई दे रहा है, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ममता बनर्जी का तलवा चाट रहे हैं शायद है कि हमें कोई चार 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 सात प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है कि मणिपुर में बोली, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? केवल से देखिए, जो बात सच्चाई है कि उनका इतने दिन ना बोलना कहीं ना कहीं कुछ तो है, लेकिन गृहमंत्री जब वहाँ पे जाके आकलन करके आ चुके हैं तो वो डायरेक्ट ना बोले, अभी बोलेंगे उस पर, अभी चल रही है, अभी तो कितना दिन हुआ ही है लेकिन अभी बोलेंगे। अच्छा, फेलियर मानते हैं सरकार के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फेलियर हम नहीं कह सकते, गृहमंत्री गए। अच्छा, ये मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को फेलियर मानते हैं? आप इसको पूछ रहे हैं, राजस्थान पर के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, सत्ता में और जो मूल समस्या के बारे में बात पूछ रहे हैं, बात होगी जो एकदम आपका चल रहा है बारे में और राजस्थान की हर चीज पे बात करेंगे। पहले आप मणिपुर पे बता दीजिए कि प्रधानमंत्री पहले आप अपने कर्मों का फल भोग रही है या फिर अंदर जाएगी? हाँ, बस दो लाइन। कुछ नहीं मर गया जोधपुर, जोधपुर में, जोधपुर में क्या हुआ? मणिपुर पे जोधपुर में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? बताइए, आप जाइए। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री को चुप्पी साधे हुए हैं? एक ही मैटर मणिपुर है, आपके पास केवल मणिपुर के अलावा कुछ नहीं है? नहीं देखिए, जो जो एकदम आग पकड़ा है, तूल पकड़ा है, उससे तो बात होगी। राहुल प्रधानमंत्री क्यों नहीं? राहुल गांधी मणिपुर के अलावा कहीं और क्यों नहीं जा रहे?
पहले आप बताइए और क्यों नहीं जाए, क्यों राहुल गांधी से नहीं पूछ रहे हैं मणिपुर के अलावा और जगह क्यों नहीं जा रहे हैं? आप कुछ नहीं कह रहे हैं पीछे पीछे बोलने वाले लोग, समस्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे सब चीज चाय की चुस्की में हर चीज एकदम बेहतर होता है, भले अपना अपना विचार अलग हो सकता है लेकिन भाईचारा बिल्कुल एकदम एक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। लोग इन जो इस तरीके से लोग देख रहे हैं तो ये सब भाईचारा है और यहाँ पे खुला ओपिनियन होता है राजनीति को लेकर। तो आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।